सश्रीकाल वनकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। आज मैं आपको वेरी डिलीशियस जीरा राइस सिखा रही हूँ, ठीक है? तो अच्छे से सीख लीजिए ये कैसे बनाते हैं, ठीक है? बहुत ही खिला खिला ये जीरा राइस, वेरी हेल्दी। इसके लिए एक कप राइस आधे घंटे के लिए भिगो लीजिए। अगर आप बासमती राइस से भी बना सकते हो या प्लेन राइस से भी बना सकते हो, ठीक है? और एक स्लाइस्ड ऑनियन, चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, पुदीना, ये जीरा और शाहजीरा दो भी यूज़ करेंगे हम। साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, घी और ऑयल दोनों का मिक्सचर, दोनों भी चाहिए हमें, दो स्पून ऑयल और दो स्पून घी, ठीक है? अभी क्या करना है, कुकिंग विसल में घी और तेल दोनों को गर्म करना है। ये गर्म होते ही जीरा और शाहजीरा दो भी इसमें डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है जीरा और शाहजीरा से, ठीक है? अच्छे से सीख लीजिए, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। इवन बच्चे भी बहुत आसानी से पका सकते हैं ये जीरा राइस, ठीक है? अभी ये प्याज डाल दिया, इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ। खूब अच्छे से भूनिए, ये रेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए और उसके भी अच्छे से भून लीजिए, ठीक है? अदरक लहसुन का पेस्ट एक डेढ़ स्पून डाले तभी काफ़ी है। अगर आप एक कप राइस बना रहे हो तो एक टेबल स्पून हम लोगों को अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। साथ ही साथ चिलीज आपके टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा डालिए या फिर कम तो कम डाल दीजिए, ठीक है? एक कप राइस के लिए एक स्पून सॉल्ट जाएगा और थोड़ी सी हल्दी, अच्छे से इसको मिला लीजिए। फ्रेंड्स, जीरा राइस ना, सच में बता रही हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए, ठीक है? अभी ये हरी मिर्च भी भुन गया, तो एक कप राइस के लिए कितना पानी डालना है, 2 कप पानी। आप अभी तो सीख लिए ना, बहुत सारे हम लोगों ने राइस आइटम्स बताए, जैसे अजवाइन राइस बनाया, टमाटो राइस बनाया, है ना? आपको पता तो है, ठीक है? अभी ये वाटर पानी डालने के बाद थोड़ा वेट करेंगे बॉयल आने के लिए। जब बॉयल आ रहा है तब हम लोग कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स भी डाल देंगे इसमें। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जा रहा है, जो जीरा पाउडर। जीरा को ना अच्छे से भुनने के बाद, थोड़ा ठंडा होने के बाद पाउडर बना लीजिए। वो पाउडर, जीरा पाउडर मैं अभी जीरा राइस में डाल रही हूँ। जब पानी बॉयल होगा तब हम लोग जो सोक करके रखे हैं ना राइस, वो ये राइस में बॉयल्ड वाटर में डाल देंगे। ये गया राइस, अभी पकने वाला है, 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे पका लीजिए, है ना? तो ये कहते हैं कि इंडियन कल्चर में जीरा राइस की कहीं भी बुक्स में नहीं है। एक्चुअली ये बना है मुगल्स वाले राइस रेसिपीज, न्यू इन्वेंशंस करते थे तभी जाके ये जीरा राइस इवॉल्व हुआ है, है ना? तो अच्छा इन्फॉर्मेशन है ना। तो साथ ही साथ मैंने लेमन जूस भी डाला है। क्यों? लेमन जूस जब हम लास्ट में डालेंगे तो राइस अच्छे से खिला खिला रहेगा। कौन से भी आप बिरयानी डालो, कहीं भी कुछ भी राइस आइटम बना रहे हो, तो थोड़ा नींबू डालने से क्या होगा ना, राइस अच्छे से खिला खिला रहेगा, ठीक है? अभी इसको ढक्कन लगा लीजिए और 5 मिनट्स के लिए सिमर पर रख दीजिए। फ्रेंड्स, ये रहा जीरा राइस रेडी। फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ ना, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चों, बड़े, सभी लोग इसके साथ कुछ भी साइड डिश आप रख लीजिए या फिर ऐसे ही खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी रहेगा। जीरा पाउडर, जीरा, अदरक लहसुन, वाओ, वेरी डिलीशियस है ये, है ना? पसंद आया ना? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज। चलिए, अभी के लिए साइनिंग ऑफ MRP।